वे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत कीमती वक्त आ रहा है, बहुत कीमती महीना आ रहा है। ये वो महीना है जो जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर इफ्तार के वक्त अल्लाह 60,000 ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नती बनाता है जिनका जहन्नमी होना वाजिब हो गया था। और एक मकाम पे फरमाते 5,00,000 जहन्नमियों को हर इफ्तार के वक्त जहन्नम से आजाद किया जाता है। और इसी पे बस नहीं, हुजूर फरमाते जब शबे जुमा आती है माह रमजान की, जुमेरात का सूरज गुरूब होता है, तो जुमा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक हर हर सेकंड में 5,00,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता है। और जब जब जुमा का आखिरी वक्त आता है, आखिरी साहत आती है, मेरे करीम आका फरमाते हैं, जुमेरात का सूरज गुरूब होने से लेकर जुमा का सूरज गुरूब होने तक हर हर लम्हे में जो 5,00,000 को आजाद किया गया था, अब आखिरी सेकंड में जो गुरूब का वक्त होता है, जितने आजाद किए गए थे उतनों की तादाद के बराबर उस आखिरी साहत के अंदर अल्लाह अपने जहन्नमी बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। कितना कीमती वक्त होता है इफ्तार का वक्त, कितना कीमती है सहरी का वक्त, कितना कीमती है।